14 फरवरी वैलेंटाइनस डे यानी कि प्यार का दिन। अगर वैसटर्न कल्चर की अंग्रेजा की गल करिए तो यह दिन बड़ा ही धूमधाम न मनाते हैं। सो अगर तुहाडी गल करें तो अमिता वास्ते प्यार की है, डेफिनेशन ऑफ लव, वट इज इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार की है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यार जो है वो दिनों के हिसाब से नहीं, ये नहीं है कि वीक पे डिपेंड है ना। जो प्यार है वो लाइफ में मतलब चल रहा है। उन्होंने ये चलो वीक वैलेंटाइनस डे जरा है तो वैसटर्न है, लेकिन चलो एक तरह का लोगों एक इस पास ले जाने शायद मनाया जाता है कि लोग प्यार ना रहन। तो साडा इहो मैसेज है कि जो भी जिस भी बंधन च बधे है वह प्यार नाल हंसी खुशी रहे। तो इस मौके पर कोई गाना अपनी धर्मपत्नी लिए? चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। तुहानू सब तो ज़्यादा प्यार कौन करता है? मेरी फैमिली ते एंड व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स जिहड़ियां कनेडा ने, जिहड़ियां पापा ने दस्सिया सी बड़ियां गर्लफ्रेंड इहदियां, कुड़ी नूं आ करा ना करा की चल रहा सी दिल दे विच? ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਜੇ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਕਮਾਊ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं कुछ नहीं सी इदा दा खास सोचदी, बस ए सी केयरिंग होवे। बहुत चुपके से दिया था हमने गुलाब तुम्बे कमबख्त, खुशबू ने कोहराम मचा दिया। वाह जी वाह, अरेंज मैरिज दे विच इन्ना टचवुड रोमांस। और ए पलक जी केड़े मोती पुन कीते सी मैनू भी दसो, मैं भी करने हैं। ते मैं जदू कॉलेज पढ़ती सी ए मैनू फॉलो कर दे सी। अच्छा ये लव मैरिज है? ओह हाउ स्वीट। ते मेरे पीछे आंदे सी बट मैनू नहीं पता सी कि मैं इत्थे ही मेरी शादी होएगी। ते मैं अपने ब्रदर्स नू कहंदी सी कि तुसी प्लीज एनू कहो कि मेरे पीछे ना आया करे। वैलेंटाइनस वीक मना रहे हैं, प्यार का जश्न मना रहे हैं, प्यार का ये हफ्ता मना रहे हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइनस डे यानी कि प्यार का दिन। अगर वैसटर्न कल्चर की अंग्रेजा की गल करिए तो यह दिन बड़ा ही धूमधाम ना मनाते हैं अपने कपल्स के नाल, अपने पार्टनर के नाल। कपल्स जोड़े होंगे, अपने प्रेमी जोड़े जोड़े होंगे, एक दूजे को बड़े ही गिफ्ट्स देंगे, सरप्राइज़ देंगे, तो उन्होंने प्यार का एहसास जोड़ा कराते हैं कि प्यार करते हैं तुहानू। तो प्यार की है इत्थे दे हुण साडे इंडिया दे विच भी, साडे कल्चर दे विच भी वैलेंटाइनस डे नूं बड़ा चंगे तरीके नाल मना लग गए ने। कपल्स ना गल्लां बातें कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उन्हां वास्ते प्यार की डेफिनेशन की है, विआह की डेफिनेशन की है। तो आओ अज भी गल्लां बातें करांगे, सारे कपल्स के नाल मिलांगे। एक प्यारा जिहा कपल साडे नाल जुड़ गया है, तो बड़ी सोहनी जोड़ी है। इन्हां नाल जानूंगी, मैं पुछूंगी इन्हां नूं, मैं दूरों जदों इन्हां नूं देखिया मेरा बड़ा दिल किया कि इन्हां दी प्रेम कहानी, इन्हां दा प्यार, इन्हां दी जर्नी, इन्हां दे विआह दी जर्नी मैं जरूर जानना चाहूंगी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सांझा टीवी ते। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਅਮਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਸੰਜੀਵ। ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਤੇ ਅਮਿਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਛਪੇ ਸੀ, ਸੰਜੀਵ ਵੈਡਸ ਅਮਿਤਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤਾ ਵੈਡਸ ਸੰਜੀਵ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ? ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਸੀ। 8 ਦਸੰਬਰ ਸਨ ਕਿਹੜਾ? 2004 ਨੇ। 2004 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 18 साल हो गए ने। सो ए अमिता जी, मैं तुहाडे तों जानना चाहूँगी कि वैलेंटाइनस वीक असी मना रहे हैं अज, रोज़ डे, प्रपोज डे, हग डे, किस डे, सारे डे है ना, वैसटर्न कल्चर जिहड़ा साढ़े इत्थे आया पिया। सो अगर तुहाडी गल करां तां अमिता वास्ते प्यार की है, डेफिनेशन ऑफ लव, वट इज इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार की है? हिंदी में कंफर्टेबल? हाँ हाँ जरूर जी। अच्छा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यार जो है वो दिनों के हिसाब से नहीं, ये नहीं है कि वीक पे डिपेंड है ना। जो प्यार है वो लाइफ में मतलब चल रहा है, और प्यार का मतलब है एक दूसरे की के लिए अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रोमाइज़ हैं, देन सेक्रीफाइज़ हैं, है ना। ये मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब शो करने के, अगर हम शो करने के बजाय ये चीज़ें अगर समझें तो देन लाइफ इज़ वेरी स्वीट। तो सर तुहाडे लई की डेफिनेशन है प्यार दी, मोहब्बत दी? प्यार दी डेफिनेशन यही है कि एक दूजे नूं समझना है। उन्हां लई इह चलो वीक वैलेंटाइनस डे जिहड़ा है तो वैसटर्न है, लेकिन चलो एक तरह का लोगों एक
इस पासे ले जाने लिए शायद मनाया जाता है कि लोग प्यार नाल रहन। तो साडा इहो मैसेज है कि जो भी जिस भी बंधन च बधिया वह प्यार नाल हंसी खुशी रहे, सारे नाल मतलब अपना जिहड़ा रिश्ता है वह अच्छे तरीके नाल निभाए। प्यार चाहे अपनी वाइफ नाल है या और रिश्ते विच है, उन्हों अच्छे तरीके नाल निभाना आना चाहिए बस। अच्छा, ये जो रिश्ता होया सी अमिता जी तुहाडा, जो असी कुड़ियां हुंदियां मैं अक्सर जो भी कपल्स नाल गल करदी आं या वैलेंटाइनस वीक की कवरेज करदी आं, मैं अक्सर यही सवाल करदी आं कि असी जो कुड़ियां हुंदियां ने ना, सानू बचपन तो ही माँ जिहड़ी साडी हुंदी आ नानी दादी सिखा दिंदियां ने कि सहुरे घरे जाना है, बड़ी रिसपोंसिबिलिटी वो दिमाग दे विच असी ना ड्रीम बॉय है ना, कि जिवें फिल्मां च देखदे सी सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार आएगा, असी राजकुमार सोचिया हुंदा है ना। सो वो निक्की हुंदी दी अमिता जिहड़ी सी जिहदा विआह सी उहदे की सपने सी विआह नूं लैके? यही कि हसबैंड जो लविंग हो, केयरिंग हो, और एक मुझे पुराने गानों का बड़ा शौक है। जैसे वो होते हैं ना, कोई बड़ा अच्छा सिंगर है या वो मुझे गाने मेरे लिए कोई ऐसे सॉन्ग गाए, डेडिकेट करे, एंड वो इनमें क्वालिटी सबसे पहले जो थी वो मुझे ये पता लगी कि वो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अरे वाह जी वाह, है ना। तो वो मुझे चीज़ बड़ी अच्छी, मतलब वो मैं लगता था मुझे कि होना चाहिए, एंड ही इज़ सच ए केयरिंग एंड लविंग हसबैंड। ते हुण कहिंदे कि सोने ते सुहागा हो जाए तो वह कभी मौका जिहड़ा छड्डना नहीं चाहिए, तो मेरे वास्ते तो सोने पर सुहागा वाली गल है कि मैम ने तुहाडा एक सीक्रेट रिवील किया कि तुसी एक बहुत चंगे सिंगर हो और उन्होंने पुराने गाने का शौक भी है। सो वैलेंटाइनस वीक मना रहे हैं, रोज़ डे है, तो इस मौके पर कोई गाना अपनी धर्मपत्नी लई? कोई गल नहीं, असी जज नहीं करांगे, मैं कोई इत्थे अनु मलिक नहीं हैगी, तुहानू नंबर नहीं देने, मैं प्यार नाल जो भी एक गाना अपनी दो वर्ड कह सकते हैं, चांद आहें बरेगा फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें बरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आरेगा। अमिता जी हूँ उन्होंने तो थोड़े लिए गाना गाता, तुम कि उन्होंने इन रिटर्न कहोगे? नहीं, मैं सिंगिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ। कुछ कोई यहोजी चीज़ है जो इन्ना 18 साल आज तक कहन की हिम्मत नहीं रख पाए थे, अज ऑन कैमरा तुम कह सको? मैं एक गुनगुना तो नहीं सकती हूँ, लेकिन बड़ा एक अच्छा सा मुझे वो याद आ रहा है जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, वो एक सॉन्ग है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ओ हो हाउ स्वीट। ते वैसे हुण एक दूजे नूं, अच्छा मैं जानदे भी पूछना चाहूंगी कि प्यारी जोड़ी जड़ी बनी है, ये रिश्ता अरेंज मैरिज सी लव, ते रिश्ता किद्दां होया, कौन विचोला सी? मेरी कज़न है, दूर की कज़न है। अच्छा। तो वो है इनकी फैमिली में, मतलब मेरी ननद है उनके घर में मैरिड है। अच्छा। तो उनके थ्रू ये बात चली थी, मतलब थोड़ी ननान दी भरजाई एक तरीके नाल थोड़ी कज़न देवरानी है, वो मेरी दूर की कज़न है। अच्छा जी, थोड़ी ननान दी देवरानी थोड़ी दूर की कज़न है, वाह सो वेरी नाइस। सो जो इन्होंने बारे पता लग गया, फोटो देख के हाँ करती सी कि सोचा सी कि नहीं होर सोना मिल जाए या कुछ होर वधिया मिल जाए? नहीं नहीं, पहले तो यही था कि नहीं करनी है, मैंने नहीं करनी है, दूर था थोड़ा सा, एंड देन जब मेरे पापा को देखने आए ही वॉज सो इम्प्रेस्ड कि यही करनी है, इस तो वधिया मुंडा नहीं मिल सकता। हूँ इन्ने साल बाद लगता है कभी नोक चौक होंगी जो कभी ताना मारिया कि मैं तेन पसंद नहीं करना, कितने फस गया था, कोई ताना मारिया? नहीं, वो मजाक में चलता रहता है कि है ना, बट मुझे लगता है कि इसे मतलब बेस्ट नहीं मिल सकते थे। अच्छा, इन्होंने तो अपना दसता थोड़े तो सर जो थानू तो पता लग्या कि आ कुड़िया फोटो दिखाई कि पहले सब तो पहले पता कि लगे कि आ रिश्ता आया? पता हो कोई बिच आए थे मैं जे इन्होंने कहा इस तरह कोई होर रिश्तेदार से इन्होंने, उन्होंने वो मेरे ऑफिस आते थे तो वह कहते ही देख लो, तो देख लिया तो मैनू मैं चलो मिल गया बंदा जरा जिद करे। थैंक यू सो मच। तो हूँ एक बार एक दूसरे को आई थिंक आई लव यू तो कहना बंद है? आई लव यू, आई लव यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मेरे ना बहुत ही प्यारा जहा मुंडा जुड़ गया, मतलब आ गया, अगर ये थोड़ा जहा वा होंगे ना, थोड़ा नहीं मतलब 10 साल होर वा होंगे, व्हाट्स योर एज?
11 हाँ मतलब आई 10-12 साल वड्डा होंदा मैंने पक्का पूछ लेना सी विल यू बी माय वैलेंटाइन बड़ा क्यूट ही पाए जे है सो व्हाट्स योर नेम जपजोत जपजोत वेयर आर यू फ्रॉम कितों तुसी बीरपिंड बीरपिंड अच्छा तो वैसे लगता तो इदा हो कि जिदा कनेडा कनूडा तो आए हो लगते हो प्या करता कनेडा लिव प्या करता है कनेडा ओके तो अच्छा जपजोत व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ लव तुहानू की लगता है कि प्यार की होंदा है तुहानू सब तो ज़्यादा प्यार कौन करता है मेरी फैमिली ते एंड व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स जिहड़ियां कनेडा ने जिहड़ियां पापा ने दस्सिया सी बड़ियां गर्लफ्रेंड इहदियां मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं है कोई गर्लफ्रेंड नहीं हैगी अच्छा जब तक वड्डे होके की सोचा कि की बनना है मेरे पापा कहते पुलिसमैन बनना तो मैं कहता मैं फुटबॉल प्लेयर बना अच्छा जब जो 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 मम्मा घरे थोड़े घरे मम्मा कहते कि नूह लियानी है थोड़ी है ना थोड़ी वाइफ लियानी है थानू किदा दी वाइफ चाहिए है हाफ पंजाबी हाफ कनेडियन कुछ मुंडा पूरा चलो ऑल द बेस्ट जब जो ते विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर बाय सो मुंडा पहले बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है बहुत ज़्यादा क्लीयर आ कि हाफ कनेडियन चाहिए है हाफ पंजाबन चाहिए है तो मम्मिया जड़िया देख रही हो ना मुंडा सोहना लगे ठीक है तो रिश्ता रुश्ता तुम लग चंगा लगता ना तो यह मैं गल कर लें मैं दस दौ ठीक है जपजोत न अज तो 10-12 साल बाद जो विहान चौगा होगा तो कोई कुड़ी हैगी ना हाफ कनेडियन हाफ पंजाबन तो ये करा लेंगे सो इदा ही जी प्यार है प्यार गल्लां बातां करनियां ने बच्चा आया सी मेरे को बड़ा ही प्यारा जिहा लगे कि मैं भी गलबात करनी है तो मैं क्या चल आ जा तू भी सो इदां ही कपल्स दे नाल बच्चियां दे नाल प्यार देखो सब नाल हो सकता है प्यार बच्चे नाल प्यार एक पैट नाल अपने कुत्ते नाल लोग किन्ना प्यार करते हैं घर जानवर पालते हैं गाइयां मझां डंगर पालते हैं उन्होंने कि प्यार हो जाता सो प्यार बड़ी खूबसूरत जी चीज़ है मुहब्बत बड़ी खूबसूरत जी चीज़ है तुहाडी माँ तुहानू पहले सब तो मुहब्बत करना सिखाती है तुहाडे फादर तुहानू एक बड़ी अनकंडीशनल जी मुहब्बत करते हैं अनकंडीशनल जहाँ प्यार करते हैं फिर तुहानू पार्टनर मिलता सो प्यार ना बड़ी अनकंडीशनल बड़ी रोमांटिक जी चीज़ है बड़ी रूहां की चीज़ है सो आओ देखते हैं कि होर किन्ने किन्ने इत्थे रूहां वाली मुहब्बत की हुई है सो एक बड़ी प्यारी जी फैमिली मैं कहूँगी टचवुड कहना पैंदा जिस फैमिली लिए जिस नज़र लगे ट्विन्स बच्चे है बेटा बेटी और एक वड्डी बेटी है जब जो इन्हों का पंज है सो मैम ना गलबात करेंगे सो मैम पहले तो अपना नाम दसो की है तुहाडा हाँ जी राजबीर तुहाडा साबी तो राजबीर तो साबी जो कार्ड छपे सी राजबीर वेड साबी तो ये विआह की तरीक किन्नी सी 4 दिसंबर तो सन के 2011 मतलब ये विआह नू काफ़ी चंगे साल हो गए ने सो ये विआह अरेंज मैरिज सी लव मैरिज सी अरेंज ये रिश्ता किदा होया सी जी मेरी भूआ जी दी नू ने करवाया वो मेरे मामा जी दी बेटी सी ते इन्हां दे भूआ जी दी नू सी ते उन्हां ने ही साडा रिश्ता करवाता सी ते अच्छा देखदे सर पसंद आ गए सीगे सर मतलब ये हाँ करन नू टाइम तां नहीं लाया सीगा कि कई बार हुंदा ना कि 10 पई हुंदी है हफ्ता 2 हफ्ते आपां टाइम लैने कि दस्सांगे है ना ऐदा कोई टाइम तां नहीं लिया सी हाँ जी जिदा थोड़ा इन्होंने मैरिज से ही देखा सी मामा जी की बेटी दे थोड़ा जहा बस थोड़े डेज लए सी 4-5 डेज इन्होंने असी भी कि सोच के कि दसना हाँ अच्छा जो सोच के हाय अच्छा जो सोच के दसन की बारी सी उस टाइम दिमाग की कशमकश चल रही सी कुछ जिमें कहते ना दिल घाऊमाऊ जहाँ करता है पंजाबी आप कहने दिल घाऊमाऊ करता सी हाय कुड़ी नूं हाँ करा ना करा की चल रहा सी दिल घाऊमाऊ तो चलता ही है जी लाइफ पार्टनर जो चुनना तो थोड़ा बहुत बंदे वेट एंड वॉच के होना ही चाहिए और उस तो बाद फैमिली नाल भी थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए है फैमिली की भी सिस्टर्स मदर भी जे सारू पसंद है तो फिर सानू भी पसंद है अच्छा सेम सवाल थोड़े लिए तुम्हें दिल से की चल रहा है क्योंकि कुड़ियाँ अपने पार्टनर लैके जिम्मे मैं पूरी श्योर हाँ कि तुम अपनी दोनों बेटिया हूने तो सोच रही हो गया ना भी किदा का पार्टनर चाहता सो कुड़ियाँ आप बहुत सेंसिटिव होंगे इमोशनल होंगे ने सो तुम जो पार्टनर सोचा कि पूरी इमेज आई हाँ जी पूरी की इमेज सोची हुई भी किदा का मुंडा चाहिए जिदा का चा सोचा ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਕਮਾਉ ਹੋਵੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੋਚਦੀ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਅੱਛਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਡੋਲਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
नहीं करता अजे हाले पढ़ाई करनी है। अच्छा सुहावी जो तुहाडा व्याह होवे तो तुहानू किद्दां दा मुंडा चाहिदा है? संजोग हुंदे तुरे ही आए हुंदे ते बड़ी बड़ी खुशी हुंदी है जो किसी के व्याह नूं 25 साल 30 साल 35 साल 50 साल एहो जिहे कपल्स नूं मिलदे आ ते बड़ी खुशी का मौका है कि अज जिहड़ा मेरे नाल हुण जिहड़ा कपल जुड़ गया 25 साल हो गए ने ते अज ओक अपना 25वीं सालगिरह मना रहे ने। मुबारक जी बहुत बहुत तुहानू। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी आप जी दा बहुत। नाम की है तुहाडा? मेरा नाम दिलबाग जी। तुहाडा? पलक। पलक ते दिलबाग जी बहुत पलक एंड दिल आए सबको ले बहुत बहुत मुबारक तुहानू 25वीं सालगिरह दियां ते तुसी बहुत सोहणे लग रहे हो। मंगांगे साडा ना 28 तरीक नु है मैरिज एनिवर्सरी 25वीं पर ऐसी सेलिब्रेशन शुरू कर देता है। वेरी नाइस बंदी है पवित्र तो वैलेंटाइन वीक पूरा मना रहे हैं ना। ऐसे 28 जनवरी तो शुरू कर देता सी। अच्छा। और आते 7 तारीख है फर्स्ट डे महीना। अच्छा महीना पूरा मना रहे हो 28 तो 28 वेरी नाइस। और आते 7 दिन 7 तारीख है और अपना रोज डे है वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो गया तो वीक तो रोज वैसे मैम आज के देना ले दिता जी अभी और गिफ्ट मिलने हैं। आई आई अच्छा पलक जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ बहुत चुपके से दिया था हमने गुलाब तुम्हें एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी एक मिनट। बहुत चुपके से दिया था हमने गुलाब तुम्हें कमबख्त खुशबू ने कोहराम मचा दिया। वाह जी वाह सच रोमांटिक कपल ते लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज दे विच इन्ना टचवुड रोमांस और ए पलक जी केड़े मोतीपुन कीते सी मैनू भी दसो मैं भी करने हैं। ये सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद है ब्लेसिंग्स है निंकार की प्रभु की जो आज इतने साल हो गए मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे 25 साल होने वाले हैं कैसे बीते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बहुत अच्छा साथी मिला है। मैं दिल्ली तो हाँ जी देहरादून तो नहीं। अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस एक गर्मी तो एक सर्दी तो ठंडे इलाके तो right. तो ठंड और गर्म का मेल हो गया। आज हम यहाँ मना रहे हैं चंडीगढ़ मना रहे हैं विचकार से वेदर से दिल्ली से आए हैं हम लोग सेलिब्रेट करने। अच्छा तो दिल्ली तो स्पेशली चंडीगढ़ सेलिब्रेट करना है। हाँ मैरिज भी सी ते नाल ध्यान सी के अपना सुंदर जा शहर जरा क्लीन शहर है बड़ा प्यारा शहर है बड़ा मीठा शहर है इतने आगे बाद मिठे मिठे लोग ही नज़र आते हैं इतने घूमो तो हर चीज़ मिठी मिठी लग रही है प्यारी प्यारी लग रही है तो सुंदर शहर दिल करे सब सुंदर सुंदर देखिए देखो जरा नज़र आ रहे हैं सब सुंदर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप बहुत सुंदर लग रहे हो क्यूट लग रहे हो स्वीट हो बहुत थैंक यू। सो पलक जी मैं जिन्हें भी कपल्स नाल अज तक जो भी मैं वैलेंटाइनस कर जाती हाँ हर साल मैं वैलेंटाइनस कवर करती हाँ नवे नवे कपल्स में मिलती हाँ पर मैं सच्ची दिलों कह रही हूँ टच वुड मैं हूँ सब तो ज़्यादा खुशी जी है देख के हुई है तुम्हें मिल के हुई है। सो ये रिश्ता आया सीगा ये रिश्ता कि दस पई सी कि रिश्ता आया कि एक दूजे तुसी पता लगे भी ये विआह होना मेरा। असी ना इकली दिल्ली च रहने पटेल नगर तो असी निंकारी सत्संग बिलोंग करने निंकारी मिशन नाल तो इन्हां दे बुआ जी सी उन्होंने मैं सोहना लग्या पता नहीं की चीज़ सोहनी लगी तो सोने तो असी है ही नहीं तो बस वो इन्होंने कहा कि मेरी भतीजी उत्थे है देहरादून आए बस प्रभु की कृपा हुई पातशाह की रब की कृपा हुई प्यार हो गया। आप इतने प्यार से देख रहे हो वो आज तक इन्होंने भी नहीं देखा होगा। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਲਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ? हाँ तो देखो जो बड़े कहेंगे वही होगा क्योंकि अरेंज मैरिज थी बाकी सब अच्छा है बहुत बढ़िया है आप देख ही रहे हो। अच्छा इतनी स्वीट जी कारली मिली है मतलब इतनी क्यूट टू जी। सो तुसी केड़े मोती पुन कीते तुसी अपना दसो। अजी कोई मोती पुन नहीं कीते अजी कोई आते रब दी गर्ल्स पावर रॉक वुमेन एम्पावरमेंट तुसी केड़े मोती पुन कीते इतनी प्यारी हसमुख जी कारली मिली है रब दी कृपा है। लेख लिखे होंगे ने आकांक्षा जी पहले लेख लिखे होंगे ने रब ने ना सब कुछ रचा है सब कुछ रचा है बस असी तो कठपुतली की तरह हाँ और जब कठपुतली की तरह जो बन जाता ना फिर रब अपने आप ही नचाता है तो असी वो नच रहे हैं आनंद लै रहे हैं वो कठपुतली है ना नचती भी है हसती भी है गाँदी भी है सब कुछ करती है तो असं आनंद लै रहे हैं। देखो मेरा नाम है दिलबाग मैं पहले ही क्या सी इन्हों नाम है पलक और दिल और पलक जेड़े भी ने पूरी धरा जिन्हें भी धरा
जिन्हें भी बशर लोग रहते हैं, चाहे हिंदुस्तान रहता, पाकिस्तान, अमरीका रहता, दिल और पलक सब को है। और अगर पलक ना चिपकाओ नींद भी नहीं आएगी, दिल ना धड़के तो बंदा गया, टिक टिक हो रही है गया, अगर टिक टिक रुक गई थे राम राम सत्य हो गया, और पलक ना झपके नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बंदा पागल हो जाएगा, आगरे चला जाएगा। तो है रब ने खेल। वैसे एहो जे प्यारे कपल तो पूछना चाहूँगी मैं कि तुहाडे वास्ते, क्योंकि प्यार दिख रहा है तुहाडा, है ना, तुहाडे वास्ते प्यार दी डेफिनेशन की है कि मोहब्बत की है, इश्क की है, वैलेंटाइनस डे की है, रूहां जिहड़ा आपां कहिंदे आ रूहां दा मेल है, एह की है, मोहब्बत की है? ना रूहां दा ना आकांक्षा जी, दो दिलों का ना आत्मा का मिलन है, और इन्ना प्यारा मिलन है जिंदे समर्पण है, भरोसा है, अकीदा है, यकीन है, विश्वास है, जिंदे बस मैं मिट जावा ऐ रहन, ऐ मिट जान मैं रहन, जिंदे दोनों हंकार मिट जाए, कुछ भी ना रहे, जब कुछ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, बस प्यार ही रहेगा। मैं सच्ची कह रही हूँ, थानू देख के मेरी अखा नम हो रही ने, मतलब टच वुड और नचन लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ना आप रात को तो हमें जरूर याद करोगे, मैं पलक आपको सोने नहीं देगी जब तक आप वो बंद नहीं करोगे, और दिल आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं सोने जा रही हूँ अब। अच्छा, आखिरी सवाल, गांव हूँ अगे परिवार कौन है, लाइक बच्चे वगैरह? मेरे दो बेटे ने जी, एक राम एक शाम, मेरे दो अनमोल रतन दोनों बेटे ने, मेरा एक बेटा बड़ा वड्डा है, ते ओ ना अपना एमए इकोनॉमिक्स पूरे दिल्ली टॉप की थी, इको इकोनॉमिक्स ऑनर जी, उनकी उम्र है लगभग 23-24 साल, ते जरा मेरा छोटा बेटा है उनकी उम्र है 15 साल। ते लोग पूछते ने कहते डिफरेंस क्यों है, 9 साल का डिफरेंस क्यों है, मैं क्या जी टाइम ही नहीं मिले। सो पलक जी, तुहाडे की सपने अपनी बहुआ नु लेके, नुआ नु लेके, की नुआ मिलन बच्चा नु? देखो जो परमात्मा ने देना है, जैसे आप कह रहे हो कि मैं इनको मिली हूँ, ऐसे मेरे बेटे को भी मिलेगी, वो भी आपकी ब्लेसिंग से अच्छी आएगी, जब खुद अच्छे होंगे तो वो भी अच्छी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब कुछ ना रब ने ना पहले डिसाइड कर रखा है, सब कुछ बनया है, सब कुछ ना लेख लिखे हुए हैं, सब कुछ अच्छे होंगे तो वो भी नेचुरली अच्छी होगी, वो दूसरे घर से आती कोई बुराई लेके नहीं आएगी, वो अच्छा ही लेके ही आएगी। और असली ना पता की साड़ा ना रूम है, अगर आप जी दिल्ली आओ मोस्ट वेलकम है, साढ़े जरा रूम में कोई आंदा ना, साढ़े हमारा ना रूम है ना रेड एंड वाइट है। अच्छा। लोग कहते हैं रूम रेड एंड वाइट क्यों है? हाँ। मैं क्या दुनिया वास्ते एक दिन वैलेंटाइन डे होना 14 फरवरी। अच्छा। साढ़े वास्ते 365 दिन वैलेंटाइन रूम है। अच्छा, प्यार ही प्यार, जरा बंदा बैठता कहना वेव सी प्यार दी वेव, तिरंगा ही निकल रहे, दिल ही नहीं करता उत्थे, बस प्यार ही प्यार, इन अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड एडवांस दे विच हैप्पी 25th मैरिज। मैं उम्मीद करूंगी तुसी आने वाले 25-26-30-35 साल होर अगे जिन्नी उम्र तुहाडी रब लंबी करे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हाँ अपने आप को, जो मैनू अपने तो व्डे, अपने तो बुजुर्ग, अपने माँ प्यो की उम्र वर्गे, अपने दादा दादी की उम्र वर्गे कपल्स के नाल उन्होंने लव स्टोरीज़, उन्हों की मैरिज स्टोरीज़ जानने का मौका मिलता है, इन्ने नवें नवें रंग प्यार दे देखने मिलते हैं। सो ता ही वैलेंटाइनस वीक का स्पैशल प्रोग्राम तुहाडे लिए लैके आए हुए हैं। सो बड़ा ही प्यारा जहा टचवुड जिस कपल में नजर न लगे, बड़ा प्यारा जहा कपल जुड़ गया। सत श्री अकाल मैम, नमस्ते। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की नाम है सर तुहाडा? बलविंदर। रुपिंदर। सो जो विआह दे साई दित्ती गई सी, कार्ड छपे सी, सो ए रिश्ता किद्दां होया सी, ए मौका किद्दां आया सी? मैं पहले ये तुहानू दसा कि मैं सेक्रेड हार्ट विच पढ़ांदी सी। अच्छा। मैं तां जो केड़ा सब्जेक्ट पढ़ांदे सी? मैं कोऑर्डिनेटर सी प्लस क्राफ्ट। अच्छा। क्राफ्ट पढ़ांदी करांदी सी, ते मैं जदों कॉलेज पढ़ती सी ए मैनू फॉलो करदे सी। अच्छा, लव मैरिज है? ओह हाउ स्वीट। ते ए मैनू फॉलो करदे सी जदों मैं MCM तो मैं कीती है ग्रेजुएशन। अच्छा। ते मेरे पीछे आंदे सी, बट मैनू नहीं पता सी कि मैं इत्थे ही मेरी शादी होएगी। ते मैं अपने ब्रदर्स नू कहंदी सी कि तुसी प्लीज़ इहनू कहो कि मेरे पीछे ना आया करे, पर असी वीवर असी इक्को ही सैक्टर च हैगे सी, 16 सैक्टर च। ते बाद विच्चों मैनू मेरी भी फीलिंग हो गई कि मैनू भी लग्या कि लड़का बड़ा अच्छा है, कॉलेज सी गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा। ए प्रिंसिपल, एज प्रिंसिपल रिटायर होइन फ्रॉम GCM विच्चों। अच्छा। ते पेरेंट्स ने पूछा कि तुसी हाँ या ना कह दे। हाँ। ते मैं क्या ठीक है, मैं हाँ कहती। हाँ। बस साड़ी शादी हो गई, सिंपल मैरिज की थी। बिल्कुल, 10 बंदे साढ़े 10-12 इन्होंने। किन्ने साल हो गए व्याह नूं तुहाडे? 50 उपर हो गए।
मैं सच्ची में सच्ची कह रही हूँ, प्यार ना शब्द ही मैम यहो जहा है ना कि चाहे माँ अपने बच्चे नू करती होवे, पति अपने पत्नी नू, ते पत्नी अपने पति नू करता होवे, एक बाप अपनी बेटी नू ते एक माँ अपने बेटे नू करती होवे ना, प्यार इस शब्द ही ऐसा है कि दिल खुश हो जाता जो असीं कपल्स नू देखते हैं। सो अपने जिहड़ी साडी जनरेशन आ तुहाडे, तुसीं मेरे तो बहुत उम्र च तजुर्बे च वड्डे हो, प्यार च वड्डे हो, ते जिहड़ी तुहाडी जनरेशन है मेरे वर्गी जनरेशन लई, साडे वर्गे बच्चों लई की कहना चाहोगे कि प्यार की है? प्यार एक लाइक सिंसियरिटी है कि तुसी किवें सिंसियरली तुसी किस बंदे नूं सही मायने नाल प्यार करदे, केयर करना, केयर ज़्यादा वही रिस्पेक्ट केयर वो कॉमन। ही इज़ वेरी केयरिंग और मैं आई एम वेरी लकी टू हैव टू गर्ल्स एंड दे आर आल्सो वेरी केयरिंग, बोथ द माय डॉटर्स आर वेरी केयरिंग। ते आज इस वैलेंटाइनस वीक के मौके पर मैं जरूर चाहूँगी कि तुसी एक दूसरे नूं आई लव यू एंड आई लव यू टू कह दो। I love you. I love you too. Thank you so much, ma'am. So, जिन्हों का यह त्यौहार मना रहे हैं असी वैलेंटाइनस वीक, जिन्हों के देश का या जिन्हों का एक कल्चर है साढ़े नाल, कुछ साढ़े बाहरले मुल्क दे देश दे जर्मनी तो साढ़े नाल लोग जुड़ गए हैं। व्हाट्स योर नेम, तुहाडा नाम की है? My name is Dustin. I'm from Germany and first time here in India. I'm Alex, also from Germany, also first time in India. Alex and Justin. Yes. So, so Justin, are you married, committed or single? At the moment I have a girlfriend and I'm very very happy. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਕੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਿਟਡ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ Alex, are you married, single or committed? I'm single. ਤੇ what are you seeking in a life partner? What's the definition of a life partner, love and Valentine's Day for you? Well, a definition of a partner is someone you can trust with in good and bad times, someone you can laugh with, travel the world, of course, with, and I hope everyone watching has a good Valentine's Day, and for all the singles out there, you know, just be yourself, don't try to be anything else, and you'll find the right person. So what's the definition of love for you, Alex? What more should I say? Dustin's been quite right. I think needs to fulfill many roles, such as being a good friend, a partner in crime, someone to steal horses with, but also being a man and a lady, stick to the old rules, so all of that kind of. Okay, so you said ki you are for the very first time in India. Yeah. Are you liking it? Oh, so far it's awesome. We had a lot of good food. We're here for a Punjabi wedding. We're loving the weather here too, because in Germany it's way, way colder. We just went a lot of shopping. We have all the cool dresses now, and later we're also gonna do some dance moves and have good food. Thank you so much, Alex and Justin. And a happy Valentine's Day. And all happy best for you. Yeah. Happy Valentine's week. When is it? Next week. ਕਮਿੰਗ ਫਿਊ ਡੇਸ ਨਾਈਸ ਦੈਨ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕਪਲਸ। ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨਸ ਵੀਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਡੀ ਬੀਅਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਕਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨਸ ਵੀਕ ਐਂਡ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸੋਢੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।